समझे, ये सब चीज छोड़कर अपने दीन की तरफ बढ़े यार। पस्कर, बहुत घटिया मजाक किया तूने मेरे साथ। देख जुनैद, मैं जानता हूँ मैंने तेरा दिल दुखाया, लेकिन लेकिन क्या जरूरत थी? जरूरत थी जुनैद, जरूरत थी। मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता था किस तरह हम लोग इस दुनिया की मोहब्बत के पीछे भागे फिरते हैं यार। हाँ, किस तरह अपनी महबूबा को खुश करने के लिए, उसके मैसेज पढ़ने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं कर रहे यार। हाँ, यहाँ तक कि वो सामने नहीं है तो भी उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रहता है हमें। हाँ, और हमारा रब जिसने हमें पैदा किया है उसे क्या पसंद है, उसे क्या नापसंद है, उसका हमें जरा भी ख्याल नहीं होता ही नहीं, हमें उस पर असर ही नहीं होता यार। एक अदना सी लड़की हाँ अपनी महबूबा के भेजे हुए खत को समझने के लिए किस तरह भाग रहे हम लोग। खुद को नहीं पढ़ने आया तो दूसरे के पास चले गए, उस पर भरोसा नहीं तो तीसरे के पास चले गए, और न जाने कितनी कोशिशें, और अब चले भाषा को सीखने सिर्फ उस अदना सी मोहब्बत करने वाली लड़की के मैसेज और उसके खत को पढ़ने के लिए। देख, तू उसकी मोहब्बत को अदना मत बोल। अदना है जुनैद, अदना है उसकी मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत के सामने उसकी मोहब्बत धूल से भी बारीक है। अच्छा तू बता, हमारी माम से ज्यादा मोहब्बत करती क्या वो एक लड़की जिसको हम जानते तक नहीं? हाँ तू बता ना, बता हमारी माम से ज्यादा मोहब्बत करती क्या लड़की? हाँ सुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त में सहाबाओं से पूछे कि वो जो माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, जिसे वो कलेजे में लगाकर दूध पिलाती है, क्या वो माँ अपने बच्चे को आग के घड़े में डाल सकती है? तो सहाबाओं ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, एक माँ जो अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करती है किस तरह अपने बच्चे को आग में डाल देगी वो? तब अल्लाह के रसूल ने कहा कि जितनी मोहब्बत ये माँ अपने बच्चे से करती है उससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत कर रहा है। सुन जुनैद, अल्लाह ताला अपने बंदों से उससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। सोच जुनैद, सोचो तुम लोग, वो अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है अपने बंदों से। हाँ, उस अल्लाह ने भी हमें एक मैसेज भेजा है, उसमें बताया उसने कि उसे क्या पसंद है और उसे क्या नहीं पसंद है। कुरान मेरे दोस्त, अल्लाह ने अपने बंदों को मोहब्बत करता है इसलिए कुरान भेजा, उसमें मैसेज भेजा, इस मैसेज को उसने अपने पैगंबर के जरिए हम तक पहुंचाया, लेकिन उसे समझने उसे पढ़ने के लिए हमारे दिल में कोई हलचल ही नहीं। और एक अदना सी लड़की हाँ जिसे हम जानते तक नहीं, उसकी मोहब्बत में इस कदर दीवाने हुए फिर रहे। दोस्त, सबसे पहले तो ऐसे बेहुदा रिश्ते हराम है, गलत है ये, अल्लाह ने इस चीज को हमें सख्त मना किया है ऐसे रिश्तों से। लेकिन मैं इस खत के जरिए तुम लोगों को बताना चाहता था, तुम लोगों को एहसास दिलाना चाहता था कि हम भी इस अदना सी मोहब्बत को छोड़कर उस अजीम सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले रब के पैगाम को पढ़ने के लिए लपके उस तरफ बढ़े, ना कि छोटी सी मोहब्बत के पीछे भागे यार। पूरी बात ही नहीं सुनता है तू। यार, हम लोग सच में एक छोटी सी मोहब्बत की पीछे इस कदर पागल हुए फिरते हैं, जबकि हमारी माँ हमसे कितनी मोहब्बत करती है। और सोच, हमारा रब हमारे हमसे इतनी मोहब्बत 70 माँओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, कभी हमने वो जानने की कोशिश ही नहीं की, उसमें भी हमारा ही फायदा है। और उस खत को पढ़ने और समझने के लिए हमारे सर पे जू तक नहीं रहेंगे, और इस खत के लिए हम ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। अल्लाह हमें माफ कर दे। अल्लाह, हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की तू किसे पसंद करता है और तू किस चीज को ना पसंद करता है। अल्लाह, तेरे मैसेज कुरान को समझना तो दूर, हमने अब तक ठीक से पढ़ा भी नहीं। अल्लाह तू हमें माफ कर दे। अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे हमें। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, जिसे आपको बताना जरूरी था, क्योंकि हमारी जिंदगी में इस तरह के या इससे मिलते जुलते हुए किस्से नजर आते हैं, जहां हम दुनिया की मामूली चीजों को तरजीह देते हैं। आइए हम अपने आप से अहद करें कि आज से ही कुरान को पढ़ने समझने के लिए इसी तरह जुनून के साथ मेहनत और भागदौड़ करेंगे इंशाल्लाह।